सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं कुटनी डैम। कुटनी डैम एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जो छतरपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूर है और खजुराहो से 17 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको कुटनी डैम की खूबसूरती दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, ये कुटनी आइलैंड रिसोर्ट का एंट्री गेट है। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो टिकट काउंटर है। दोस्तों, हम कुटनी डैम आ चुके हैं और कुटनी डैम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ अंदर जाने के 100 रुपीस चार्ज है। अभी हम अंदर जाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। टूरिज्म की वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट कुटनी आइलैंड रिसोर्ट में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं। गाइस, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। गाइस, ये आइलैंड एक ब्रिज से कनेक्टेड है, तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। ये एमपी टूरिज्म का बहुत ही रिसेंट प्रोजेक्ट है जिसका इनॉग्रेशन जनवरी 2019 में हुआ था। वाटर बोटिंग के लिए आप यहां से टिकट ले सकते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल आइलैंड है और इसकी खूबसूरती तो लाजवाब है। बहुत से पर्यटक टूरिस्ट लोग यहां आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने। देख पा रहे होंगे आप कितना ब्यूटीफुल है। बहुत से लोग यहाँ डे आउटिंग के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ प्रॉपर बोट क्लब बनाया हुआ है। यहाँ आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, पैरा बोटिंग और इलेक्ट्रिक बोटिंग दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट कॉमन एरिया और राइट साइड में सारे रूम हैं। सारे रूम वाटर बोर्डिंग फेसिंग है। चलिए अब हम आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाते हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। कुटनी डैम जो कुटनी आइलैंड के नाम से फेमस है, उसके ऊपर रिसोर्ट बना हुआ है।
चारों तरफ पानी और बीच में आइलैंड और उस पर रिसोर्ट। सो फ्रेंड, ये था द ब्यूटीफुल कुडनी रिसोर्ट आइलैंड का वीडियो। आप यहाँ का प्लान ज़रूर बनाइए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर बताइए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, अभी पिक्चर बाकी है।